40 दिन में सांप ने काटा 7 बार और 9वीं बार में जाओगे परलोक सिधार। जी हाँ, 7 बार हो चुका, 2 बार और जैसे ही 9वीं बार होगा खेल खत्म। ये हमारे बोल कतई नहीं है, ना ही हम ये दावा कर रहे हैं, बल्कि ये दावा किया जा रहा है विकास की तरफ से। विकास कौन है क्या आप जानते हैं? आप जान ही रहे होंगे, वही विकास द्विवेदी जिसकी उम्र महज 24 साल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सोरा गांव का रहने वाला विकास एक ऐसी परेशानी से दो चार हो रहा है कि पूछिए ही मत। पूरा परिवार परेशान है, क्या ओझा क्या गुनिया क्या तांत्रिक, हर किसी की शरण ले चुका है विकास, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पा रहा, बल्कि सपने में मिल रहा है उसे चैलेंज। बच सको तो बच लो प्यारे, 9वीं बार में खेल खत्म है तुम्हारा। फतेहपुर का रहने वाला विकास सर्पदंश का शिकार हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरी 7 बार, ऐसा उसका दावा है, और वो भी 40 दिनों के भीतर। अब आलम यह है कि परिवार बुरी तरह से परेशान है और वो हर काम वो कर चुका है जिससे विकास को सांप से छुटकारा मिल पाए। अब सुनने में ये कहानी बिल्कुल फिल्मी लग रही होगी, वैसे भी बॉलीवुड में नागिन के बदले जैसी कहानी पर कई फिल्में हिट भी रह चुकी हैं, और जहां तक नाग या सांपों की बात है तो उसको लेकर हमेशा से ही एक रहस्य का भाव आम लोगों में रहता है। वैसे भी हमारे भारत में तो सांपों की पूजा की जाती है, भोलेनाथ का उन्हें श्रृंगार माना जाता है, और ऐसे में अगर कहीं से ऐसा कोई दावा किया जाए तो हैरानी के साथ साथ मामले में दिलचस्पी रोचकता बढ़ जाती है। ऐसा ही विकास द्विवेदी का मामला भी चल रहा है, बात बढ़ती जा रही है, और बड़ी बात तो यह है कि विकास का यह दावा भी है कि पहली बार तो उसे लगा कि सांप ने उसे ऐसे ही काट लिया होगा, और जब उसके साथ ये बार बार होने लगा तो वो परेशान होने लगा और पूरी बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन दावा यह किया गया कि उसके घर पर ही सांप ने उसे कुल 4 बार काटा, और जब वो डरकर मौसी और चाचा के घर गया तो वहां पर भी सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। खास बात यह रही कि युवक का इलाज फतेहपुर शहर के एक ही नर्सिंग होम में कराया जाता रहा, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में उसे एक नहीं बल्कि 4 बार एंटी वेनम नॉर्मल डोज दिया गया। हैरानी वाली बात यह भी है कि जब विकास को सांप काटता तो अगल बगल में सोने वाले परिजनों के जागते रहने के बावजूद सांप किसी को दिखाई नहीं देता था। वहीं जब इस पूरे मामले पर हैरान परेशान परिजनों की समस्या प्रशासन तक पहुंची तो जांच भी शुरू हो गई। इस मामले में सीएमओ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के लिए 3 सदस्यीय डॉक्टर्स का पैनल बना दिया गया है जिसमें स्पेशलिस्ट को शामिल किया गया है। ये टीम उस निजी अस्पताल भी पहुंची जहां पर युवक का इलाज किया गया था। जांच अपनी तरफ से जारी थी, लेकिन मामला अब यूपी से राजस्थान के दौसा तक पहुंच गया जहां पर स्थित है प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी। यहां विकास और उसके परिवार वाले पहुंचे। विकास ने यहां पर बताया कि चाचा के घर पर ही उसे 6वीं और 11वीं जुलाई को 7वीं बार 5 मुंह के सांप ने आकर दंश लगाया। पीड़ित के साथ आए रिश्तेदारों ने बताया कि पीड़ित परिवार की स्थिति बेहद तनावग्रस्त है और परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। कहां से हैं आप? ग्राम सौरा पोस्ट मलवा जिला पटना। क्या मामला हो रहा है आपके साथ में, क्या घटना घटित हो रही है? 7 बार सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा है, कहाँ कहाँ काटा था और कैसे कब कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था, अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो ऐसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटे गए, 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। अभी आप जब वहाँ से फतेहपुर से बालाजी के लिए चले थे तो उस टाइम भी कोई ऐसी कोई घटना सपने में आने की बात सामने आई है कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा सुनने में आया कि शनिवार को सांप ने काटने की चेतावनी दी है अगले शनिवार को? अब अगले शनिवार को तो काटेगा, कह के गया है वो अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे एहसास, कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? हाँ। ऐसा क्या होता है भाई? आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा, 4-5 घंटे से पहले बता देते हैं, पहले आपको महसूस हो जाता है उस चीज़ के बारे में। तो कभी आता हुआ सांप नज़र आता है कभी आपको? कभी दो 4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे। जो 4 बार जब आप बता रहे हो तो किस तरह का सांप है वो? एक
इतना थोड़ा बड़ा सांप है, इतना एक और एक एक दो बार पांच मुंह का सांप है। दो बार पांच मुंह का आया था सांप आया था जो एक और दो बार तो पतला सा था। ऐसा सुनने में आया कि आपके इलाज के दौरान घर के गेवर तक जिरवी रखे गए हैं, तो कोई प्रशासन से आर्थिक सहायता नहीं मिली आपको कभी? कोई सहायता नहीं मिली। प्रशासन से आपने मदद की गुहार भी लगाई होगी? डीएम साहब और सीएमओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं, फिर भी कोई मदद की कोई गुहार नहीं मिली। तो अभी आप काम क्या करते हैं अभी? जैसे अभी हम कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते अभी आप? पिताजी की दुकान है बस, चाय की बस, उसमें आप उनका हाथ काम में हाथ बटाते हो बस खाली, आप सहयोग भी नहीं करते हैं। उसमें सहयोग भी नहीं करते आप नहीं। परेशानी की वजह से आप? अच्छा अच्छा। आपको बता दें कि परिवार एक तांत्रिक के कहने पर मेहंदीपुर बालाजी धाम आया, क्योंकि तांत्रिक का कहना है कि युवक को काल सर्प दोष है और यहां प्रार्थना करने से उसे इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो चौंकाती है। इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और इस रिपोर्ट में विकास के 40 दिन में 7 बार सांप के काटने के दावों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस मामले में वन विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि 5 दिनों की जांच में यह साफ हो गया कि जो विकास के शरीर पर सांप काटने के 7 निशान हैं उनमें 6 बार स्नेक बाइट नहीं है। विकास को पहली बार ही सांप ने काटा था, उसके बाद के जो भी स्नेक बाइट दिखाए गए हैं वो संदिग्ध हैं। जांच रिपोर्ट में इलाज करने वाले डॉक्टर जवाहरलाल का भी बयान इस मामले में दर्ज किया गया। इलाज में 4 बार एंटी वेनम की नॉर्मल डोज देने की बात कही गई। पूछताछ में इलाज करने वाले डॉक्टर जवाहरलाल से जांच टीम ने यह भी पूछा कि विकास को किस प्रजाति के सांप ने काटा, जिस पर डॉक्टर जवाहरलाल ने यह कहा कि मुझे सांप की प्रजाति के बारे में पता ही नहीं, पीड़ित के और परिजनों के कहने पर ही मैंने उसका 7 बार इलाज किया, 4 बार मैंने उसे एंटी वेनम का नॉर्मल डोज दिया। जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर जवाहरलाल से फिर से सवाल किया कि जब आपको सांप की प्रजाति के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो आप कैसे एंटी वेनम का डोज देते रहे, जिस पर डॉक्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि इस मामले में अभी वन विभाग की टीम भी जांच कर रही है और मामले में DFO रामानुज त्रिपाठी बता रहे हैं कि विकास के अलावा ऐसा कोई नहीं मिला जिसने सांप को कहीं देखा हो। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जिन जिन जगहों पर विकास को सांप ने डसा था उन स्थानों की जांच पड़ताल की गई लेकिन वहां पर भी कोई सांप नहीं मिला। वैसे आपको बताएं कि फतेहपुर के रहने वाले विकास द्विवेदी ने अपने बयान में यह बताया कि 40 दिनों में उसे सांप ने 7 बार काटा था और इन 7 में से 3 बार तो उसने खुद सांप को देखा था। उसका यह भी कहना है कि 9वीं बार जब सांप उसे काटेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है उससे यह पूरा मामला संदिग्ध नजर आया। हालांकि यहां यह याद दिलाना भी जरूरी है कि कुछ वक्त पहले ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था, जहां पर एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत कर रहा था, लेकिन जब इसकी असली वजह सामने आई तो सबके होश उड़ गए थे। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बना लेता था। फतेहपुर के इस मामले को भी ऐसे ही जोड़कर अब देखा जाने लगा है। मुझे स्टोरी लगती है, उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े, तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है इस तरह के लोगों पे, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं या अंधविश्वास होता है या कोई वहम होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीज़ों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है या क्या देख रहा है, और इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाए कि जैसे बोला गया कि मेरे को 7 बार काटा है तो वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी समझना हमें ज़रूरी है कि उसको ये जो सपना आ रहा है वो दर्शाता है कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खौफ बैठा हुआ है और जो किसी ने कहा है, और इसके अलावा जो ऊपरी में के लिए वो इधर उधर जा रहा है वो उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो उसको विश्वास बढ़ाता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग के अंदर की अंधविश्वास की वजह से एक उपज थॉट प्रोसेस ऐसा है जिस पर हमें पेशेंट को समझाना चाहिए और
एक तरह से उसकी काउंसलिंग की जरूरत है। एग्जैक्ट क्या दिक्कत है उसको, जो भी मनोचिकित्सक उसको देखेगा वो बता सकता है। तो कुल मिलाकर ये मामला जितना संदिग्ध और सनसनीखेज लग रहा था, अब उसकी परतें खुलती नजर आ रही है। ना तो इसमें कोई रहस्य नजर आ रहा है और ना ही नाग या नागिन के बदले जैसी कोई फतांसी कहानी जैसी ये जैसा ये माच रहा है। अब देखना ही होगा कि जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या नए खुलासे होते हैं, विकास क्या मीडिया के सामने आकर बात करता है और क्या कुछ बताता है, सबका इंतजार रहेगा।